स्त्री जब अपने पति से बॉडी मसाज कराती है तो शुक्र जागृत होता है। पति पत्नी संबंधों में शुक्र की अहम भूमिका होती है। आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे तेल के बारे में जिसको आप शुक्र तेल बोल सकते हैं। जो शुक्र तेल होता है वो पति पत्नी संबंधों में खटास को पैदा नहीं होने देता, उनके संबंध जिंदगी पर मधुर रखता है। तो ऐसा तेल हम आज को आपको बताने जा रहे हैं। ये तेल निर्माण किस तरह से किया जाता है इसकी विधि बहुत आसान है और शुक्र तेल आपको मार्केट में रेडीमेड भी मिल सकता है, लेकिन हमारी सलाह ये है कि वो बहुत महंगा होता है और सस्ते सुंदर टिकाऊ दाम में आप खुद ही इस तेल को बहुत मात्रा में बना सकते हैं, बहुत क्वांटिटी में आप बना सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये शुक्र तेल आपको बहुत ज़्यादा सुंदरता देगा, आपको हष्ट पुष्ट रखेगा और आपको ज़िंदगी के सारे सुख देगा जो आपने ज़िंदगी से मांगे थे। वो आपके सपने नहीं हैं, हकीकत में आपको वो सुख प्राप्त होने लगेंगे। आपको दाम्पत्य जीवन से संबंधित मधुरता प्राप्त होगी, आपका जो सांसारिक जीवन है बहुत सुखद हो जाएगा और आपको ससुराल में मान सम्मान की अथाह प्राप्ति होगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। मैं ऐसे ही वीडियो लाती हूं जो आपके ग्रहों को सही करते हैं, बैलेंस करते हैं, आपके नक्षत्रों को पावर देते हैं और आपको इतना समर्थ बनाते हैं, आप पूजा पाठ करने में समर्थ होते हैं और उपाय करने में समर्थ होते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो शुक्र तेल की रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ उससे मसाज अपने हस्बैंड से करवाइए। हालांकि आपके हस्बैंड मसाज करने को रेडी नहीं है तो आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको जो भी अवेलेबल हो, अगर जैसे आपकी मेड है उससे भी आप कंफर्टेबल हैं तो उसके द्वारा भी आप मसाज करा सकते हैं, लेकिन पहले वीडियो में बना चुकी हूँ कि आपको बॉडी मसाज अपने हस्बैंड के अलावा किसी से भी नहीं करानी चाहिए। कई महिलाएँ पार्लर में भी जाके बॉडी मसाज कराती हैं, उनको ये काम नहीं करना चाहिए, इससे उनका बृहस्पति दूषित हो सकता है और बृहस्पति जिसका दूषित होता है उसको पति का प्यार कैसे मिलेगा। तो आप ये समझ जाइए कि बृहस्पति की जो कुदृष्टि है आप पर पड़ने लग जाती है, क्योंकि जब भी कोई आपका अर्धनग्न शरीर या नग्न शरीर देखता है तो आपका गुरु गड़बड़ हो जाता है। तो अपना ऐसी अवस्था वाला शरीर अपने, मतलब आप समझदार हैं, आगे नहीं बोलना चाहूँगी, आप उसको समझदार हैं और मैं आज आपको बताने वाली हूँ शुक्र तेल के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाने में समर्थ होते हैं, तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सदा तरक्की करते रहें, यही मैं उनके लिए ब्लेसिंग्स प्रेषित करती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं शुक्र तेल बनाने का तरीका। शुक्र तेल बनाने के लिए आपको 1 किलो या 1 लीटर तेल नारियल का लेना है और 1/2 लीटर आपको सफ़ेद तिल का तेल लेना है। उसमें थोड़ी मात्रा में आपको चंदन का तेल मिक्स करना है और थोड़ी मात्रा में आपको चमेली का, जैसे 20-25 ग्राम तेल आप चंदन का ले सकते हैं और 20-25 ग्राम तेल आप चमेली का ले सकते हैं। इनको किसी भी वाइट बोतल में आपको भर के और क्या करना है पूरा प्रोसीजर जानिए। ये तेल आपका तैयार हो गया है, लेकिन इसको पावर देने के लिए, शुक्र ग्रह की पावर मिले आपको, हालांकि इसको बॉडी मसाज ऐसे भी कर सकते हैं, आज तो कर ही सकते हैं, अगर आप ना कर सकें तो अगले शुक्रवार को करें। और ये आपको धूप में रखना है, ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल लेनी है और उसमें आपको भर के और धूप में रख देना है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक धूप में रखें। ये आपका तेल तैयार हो जाएगा, इसको जब चाहे मसाज करवाएं करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। आप इसको सफ़ेद कपड़े में भी लपेट के रख सकते हैं, अगर आपको शीतलता चाहिए, ठंडक चाहिए तो ठंडी जगह पे इस तेल को रखें, क्योंकि धूप में काफ़ी गर्म हो जाएगा और वो मसाज करने के लायक नहीं रहता है, तो शीतल होना ज़रूरी है। तो इस तेल को शीतलता आप दे सकते हैं सफ़ेद कपड़े में लपेट कर और उसको सुरक्षित किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। 1-2 दिन आपको रखना है और ये आपका तेल तैयार हो जाएगा मसाज के लिए। तो इस तेल को अवश्य ही काम में लीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। इस तेल को आप हेयर प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में काम में ले सकते हैं, इससे आपका बालों का झड़ना मिटता है, आपकी शक्ति जो क्षीण होती है, रोमांटिक शक्ति, वो भी उसको भी पावर मिलती है, ये पावरफुल तेल है। तो इसका प्रयोग आप करिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए, क्योंकि महिलाओं को बहुत कमजोरी की शिकायत होती है। इसके लिए जो शतावरी का मैंने बता चुकी हूँ, तो शतावरी का प्रयोग भी आपको करना चाहिए और खान पान में ध्यान देना चाहिए, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट आपको लेने चाहिए और आप
ताकत की चीज़ें भी ले सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।